बोलो पवित्र आत्मा आज मुझे छू और मेरी जिंदगी में वो कार्य कर जिसके लिए तूने मुझे चुने। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में, बोलो बोलो होली स्पिरिट मेरी जिंदगी में वो काम कर जिसके लिए मैं चुना गया हूं, चुनी गई हूं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ सब जन। अपने हाथों को हिलाओ सब जन, सब जन। अपने हाथों को बंद कर तुमने हाथों को हिलाओ, होली स्पिरिट से बात करो। अपने आंखों को बंद करो सब जन। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में वो कार्य कर जिसके लिए मैं चुना गया हूं, चुनी गई हूं। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। मैं एंजल्स को मूव करता हुआ देख रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर। आप जैसे हाथों को हिला रहे एंजल्स मूव करना शुरू कर चुके हैं। हिला हुए अपने हाथों को सब जन। हिला हुए अपने हाथों को सब सज्जन सज्जन सज्जन। हिला 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 सब जन में हाथों को हिलाते हुए दोनों हाथों को हिलाओ सब जन। परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है आपके बीच में। धन्यवाद यीशु। अपने लोगों को छूने के लिए, आजाद करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, इनकी कमाइयों के साथ वापस लेके आने के लिए। थैंक्स थैंक्स थैंक यू सो मच। परमेश्वर का आत्मा को छुए आप जहां भी। आज अपने हाथों को उठाओ, आज एंजल्स यहां पे मूव कर रहे जो आपके घरों में जा रहे हैं आज। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला कि इनके घरों में, आपके परिवारों में जो गवाहियां आने वाली वो सीरियस होगी, जबरदस्त टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आने वाली। आज हर एक जन जो मीटिंग अटेंड कर रहा है मैं उससे बात कर रहा हूं, जो मीटिंग में आज बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। एंजल्स आज आपके घरों में जाएं, छुएं जो कुछ छूना चाहिए, निकालें जिसको निकालना चाहिए, लेके आए जिसको लेके आना चाहिए। हर वो हिस्सा सीधा करें यीशु मसीह के नाम में। जो टूटा वो जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसे शैतान ने जोड़ा वो टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो चीज जो आपकी फैमिली में सीधी होनी चाहिए ये संडे उसका सीधा होने का यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन हो जाए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपका आमीन हो जाए तो मैं तो वो आप है जिसे घर में एंजल्स आ रहे हैं। अगर आपका आमीन हो जाए तो वो आप है जिसे परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं। अगर आपका आमीन हो जाए तो वो आप है जिसकी बीमारियां जा रही, जिसके रोग जा रहे, क्लेश जा रहे, जिसकी निराशाएं जा रही, जिसके आंसू जा रहे। अगर आपका हालेलुया ऊंच है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके परिवार से बात कर रहा हूं, मैं आपके बिजनेस से बात कर रहा हूं। अगर आपका हालेलुया ऊंच है तो मैं आपके शरीर से बात कर रहा हूं। अगर आपका हालेलुया ऊंच है तो मैं आपकी आशीष से बात कर रहा हूं जो आपके पास आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
अगर आपका हालेलुया ऊंच है तो मैं आपके दुश्मनों से बात कर रहा हूँ जो शर्मिंदा होने वाले हैं, जो नीचे होने वाले हैं। अगर आपका आमीन ऊंच है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैसे खाने में आज परमेश्वर का आत्मा से छूने जा रहे हैं। अगर आपका आमीन ऊंच है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके खाने में बड़ी गवाही आ रही है, आपकी लाइफ में बड़ी गवाही आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आपके लंबे इंतजार खत्म होने वाले हैं, आपकी लंबी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके चुनाव का दिन है, आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है। अगर आपका आमीन ऊंच है आज बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंच है आपके वीजे फाइल की, आपके फाइल के वीजे का आज फर्स्ट दिन है, आपको मैसेजेस आने वाले हैं, आपको फोन आने वाले हैं, और अगर आपके पैसे खत्म हुए अड़े हुए आज वो आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपका आमीन ऊंचा मैं आपके परिवार से बात कर रहा हूँ, अगर आपका आमीन ऊंचा है हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बाइबल में लिखा है जो बलवान होगा जो वो कमजोर को बांध लेगा। आप और मैं आज बलवान है शैतान को बांधने के लिए, और आपका आमीन कहां पे चर्च? मैंने कहा आप और मैं आज बलवान है। यीशु मसीह ने कहा जो बलहीन है जो कमजोर है वो बोले मैं बलवान हूं क्योंकि मेरी ताकत तुम्हें वास करती है, क्योंकि मेरा मसा तुम्हें वास करता है। इसलिए पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पॉसिबल है आपका ऊंचाई पे जाना, अभी पॉसिबल है उस रसौले का भी बाहर आना यीशु मसीह के नाम में। पॉसिबल है, पॉसिबल है स्वर्ग से रिश्ते आना, ये पॉसिबल है। पॉसिबल है स्वर्ग से हेल्पर जाना, पॉसिबल है। आपकी लाइफ में हर एक इम्पॉसिबल काम आज पॉसिबल है यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में। मैं गुड न्यूज की घोषणा करता हूं आपके फोन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी एम्बेसी फाइल के ऊपर। गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। जिसका फादर गुड न्यूज मैन हो उसको बैड न्यूज पसंद नहीं आती। मैं आपकी लाइफ में गुड न्यूज बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह मेरा आत्मिक फादर जो गुड न्यूज मैन है, जिसने मेरी लाइफ में गुड न्यूज बोली, मैं आपकी लाइफ में बोलता हूं वही गुड न्यूज आपके परिवारों में आज यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी सेहत। आई स्पीक गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस, आई स्पीक गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपका आमीन हो जाए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके परिवार से बात कर रहा हूं, मैं आपके बिजनेस से बात कर रहा हूं, मैं आपकी कलीसिया से बात कर रहा हूं, आपके बच्चों से बात कर रहा हूं। गुड न्यूज, गुड न्यूज। अगर आपका आमीन हो जाए तो आप गुड न्यूज को ले रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ गुड न्यूज को, आप उसे बाय फोर्स बाय पावर ले रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज चर्च, कमरा चर्च, गुड न्यूज, 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 गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ। लेकिन बलवान कमजोर को बांध देगा। मैं अपने हाथ को आपके बढ़ाता और बोलता हूं जो शैतान आपको बांधता है आज आप उसे बांधने वाले। मेरे हाथ आपकी ओर है और मैं बोलता हूं जो निराशा आपको बांधती आई आप उसे बांधने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जैसा मर्जी फील हो, फीलिंग से कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को, दिमागी विश्वास से, दिमागी शक से कोई लेना देना नहीं। आपका आमीन बताता है कि आप विश्वासी हैं, आपका हालेलुया बताता है आप विश्वासी हैं, आपका इस चर्च में आना इस बात का सबूत है कि आप गवाही के लिए तैयार किए जा रहे हैं, प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अपनी हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ, बोलो धन्यवाद यीशु हर उस बंधन से मुझे आजाद करने के लिए, हर उस बीमारी से मुझे आजाद करने के लिए जो मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए।
अपने हाथों को उठा मेरे साथ एक मन हो जाओ। बाइबल में लिखा है यहोवा ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसमें से हवा को पसली को निकाल के उसकी औरत को पैदा किया। आज गहरी प्रार्थना में चले जाओ, गहरे समर्पण में चले जाओ। आज आपके अंदर से वो चीजें पैदा होंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कली से कहे आमीन, सब कली से कहे आमीन। हालेलुया, आपका हालेलुया कमरे से बाहर जाना चाहिए आज। आमीन। सुनो,